ये तो हम जानते हैं कि गैर मरी मखलूकात इंसानों पर तो हमला आवर होती हैं, लेकिन जानवरों पर भी होती हैं। जी हाँ, एक ऐसा जानवर जो उस मखलूक को देख लेता जिसने ना सिर्फ खुद देखा बल्कि हमें भी दिखाया, और आज वो गायब है। ठीक उस दिन के बाद से इस जानवर का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। इनके मालिक का कहना है कि वो अचानक गायब हो गया। वो क्या है? गायब हो गया, बग्गा गायब हो गया भाईजन। बग्गा वो सफेद कुत्ता, हाँ वो जिक्र किया था आपने मेरे से। वो बता रहे हैं कि आप होके गए हैं, उसने जो देखा दिखाया हमें, अगले दिन वो वैसे ही निकलता है बाहर, जैसे जाता है हम छोड़ देते हैं उसको, घूमता फिरता है, वो वापस ही नहीं आया। या फिर वो उसी जगह पे गया भाई? वो कहते हैं एक दिन बाद, दो दिन बाद बहुत आ जाता ना, बचपन से हमारे पास है, लेकिन आज तो कोई हफ्ता होने वाला है उसको, और वो जो है आया नहीं। एक शक जाता है कोई चोरी, या उसको कौन चोरी करेगा? आप करें उसको, इतना भारी और इतना बड़ा जानवर कौन उठाएगा? उसको उठाना भी था तो चलो छोटेपन में उठा के ले जाता उसको। बड़ी हैरान हुआ मैं कि यार ऐसा, और ऐसा भी नहीं कि वो बीमार था या कमजोर था वो बीमारी से कहीं, लेकिन वो गायब हो गया है। मसला ये है कि वो है ही नहीं अभी। जी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमने एक डॉग पे, बग्गा नाम था उसका, एक ऐसे बुली नस्ल का कुत्ता, जिसने हमें जो वो देखता था मखलूक को बीमार हो जाता था, जिसने हमें भी दिखाई वो मखलूक, इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ था, वो गायब हो गया है। उनके जो मालिक हैं अब्दुल्ला साहब, उन्होंने हमें बुलाया है कि जी उस दिन के बाद से उसका पता नहीं चला। बात ये सुनबे, चोरी भी अगर हुआ है इन्हीं दिनों हुआ है चोरी, इसी उसी हैपनिंग के बाद, बचपन से नहीं हुआ? बचपन से नहीं हुआ। मेरा डाउट तो अभी तक यही है साहब, कि शायद वो उस जगह वाजे वो मखलूक नजर आई, ठीक है, जब हमारे उसान खता हो गए जी, जी कान जी, तो बग्गा तो मुसलसल उसे देख ही रहा था सही कई अरसे से सही, और बीमार भी था वो सही। हो सकता है कि वो जब वो मालिक ने जब उसे खोला हो थोड़ा फिर तफरी कर ली है, और ये फिर उसी जगह गया हो, और उस मखलूक ने शायद अपना काम दिखा दिया उसको अकेले देख कर। सुन रहे हैं किसको भौंक, किसको देख रहा है, किसको देख रहा है? ये छत की तरफ, छत की तरफ, किसको देख रहा है ये? मतलब हमें नजर नहीं आ रहा यार, ये लिटरली किसी को देख रहा है छत पे। अंदर भी गया, वो सिर्फ गड़बड़ अंदर गई है इसकी, और पूरा यार ये कोई ऐसे नहीं कर रहा, ये स्वर्ग कोई है जो हमें नजर नहीं आ रहा यार, कौन हो? छत पर काफी देर से कैमरा ऊपर लगेगा, अल्लाह अकबर, क्या है? कान कान और कोई वजह समझ नहीं आ रही कि सोलबे चोरी होना होता तो बचपन से घूम रहा था, और इनका कुत्ता कौन चोरी करेगा? तो वडेरे हैं सिवा के कि किसी ने मरना थोड़ी है, फिर अगर वो भाग गया है तो बचपन से जो पूरे इलाके में घूम फिर के अपने मालिक, यार कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है, वो भागता नहीं है। Thank you.
यूँ समझ लें कि उनका वो बेटे जैसा था, तो बेटा जो है ना मतलब अगर वो गायब हो जाए तो क्या हालत होगी? ऐसी बात, वो कंडीशन की उस रोज ही बताते हुए बड़ी अजीब सी हो रही थी। वो जगह थी जी हमारी जहाँ हम गए थे, वो कोने वाली जगह, हाँ राइट साइड पे लगी के पास। ठीक, अब इसके पीछे एक जगह है जहाँ पे शक जा, बिल्कुल इसी के पीछे, बिल्कुल उसी कोने के पीछे जहाँ वो हमें वो शक्ल भी नजर आई थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हमें छत पे नजर आई थी। हाँ छत पे नजर आई थी, बहुत हद तक मुमकिन है। सुन पे इसके ठीक पीछे वो दरख्त नजर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस घर में उगा हुआ है। बग्गा वहाँ जा रहा था ना, आपको याद है? उस कोने में जा रहा था, कोयले वहाँ पे थे, वहाँ जा रहा था। वहीं से रास्ता है उस पीछे जगह का, वहीं चले चले। यहाँ भी वो भागा था, हाँ। याद होगा आपको इस तरफ, ठीक, ऐसा लग रहा है दीवार के ऊपर चढ़ी है। हाँ, हाँ। यहाँ तक भागा था, फिर सोच रहे वो वहां तक भागा था। हाँ बिल्कुल, वो जगह उस जगह जा रहे हैं जो उस घर में बढ़ गई है ना, अब बढ़ गई, इतनी नहीं देखी थी वो। सुन रहे देखे सामने घर, ये जो सम्राट वाला, ये इसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ से उन्होंने आवाज सुनी थी उसके ठीक है, उसके अंदर से जी। एक गेट ये है कि ये चुनाई करके बंद कर दिया गया, नहीं ये इसका छत है, और हमने देखी थी उस छत के ऊपर वो मखलूक, हाँ वो टंकी जब, वो टंकी जब, और उसके साथ ये जगह है पीछे। अब बात ये है क्या वो यहाँ से निकली थी? जो हमने देखा था उस छत पे, उसके ठीक साथ ये घर है पीछे, और उन्होंने अभी जो रिसेंटली बिल्ली के रोने की आवाजें सुनी है वो उसके अंदर से सुनी है। मतलब वो ऐसी आवाज थी जैसे अंदर बिल्ली मर रही हो, फंस जाए जैसे गला घोट रहा हो कोई, फंस जाए जानवर जैसे भौंकता है चीखता है, वैसे उसकी चीखों की आवाजें आई है, और ये अंदर गए हैं कूद के या खोल के, इनको कुछ नहीं मिला। यहाँ आता जाता सब सुन रहे वो, ये मतलब लास्ट टाइम तक भी यहाँ आया है जी, तो मुझे ये लगता है कि यहीं आया है, इसके बाद कहीं नहीं गया वो। और ये ठीक इसको ये टंकी याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है मुझे, इसके साथ हमने उस कोने पे वो मखलूक को देखा, और ये देखे इसके साथ ही जगह, ये देखेंगे तो सिर्फ बहुत गहरा है, ये तो आजकल का ही लग रहा है। हाँ अगर बग्गा यहाँ आया है, या बग्गा यही किसी के घर में, तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? बात ये इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा, तो इसके अंदर पाँव के निशान अगर हुए बग्गा के, कोई रास्ता नहीं अंदर जाने का। और अगर देखिए ये तो हमने देखा है ना कि जानवरों की शक्ल में ये मखलूक आती है सामने, मुझे लगता है अब्दुल्ला भाई बच गए उस दिन कि बिल्ली के रोने की आवाजें आ रही है जैसे उसको कोई मार रहा है। जानवर यही करते हैं ना अपने पास बुलाने के लिए, हाँ। वो गए हैं अंदर, अंदर उनको कुछ नहीं मिला, और ये शुक्र है कि वो खैर खैरियत से निकल गए वहां से फौरन ही, नहीं तो ये इनके बहाने होते हैं बुलाने के। बिल्कुल सही है, अंदर से क्या हाल हुआ है इस जगह का, कुआं है यहाँ पर और ये सब बंजर है। क्या ये सिर्फ मुझे आवाज आ रही है, आप लोगों को क्या आ रही है? बिल्ली की आवाज आ रही है। क्या बच्चा है, बिल्ली है?
मतलब बकरे का खुर है। हाँ, बकरे का खुर है ना। कोई आया नहीं आज तक चल रहा। ओए होए, सुलभ मेरी टॉर्च की रोशनी कम हुई यहाँ पर। यहाँ पे यकीन करें जैसे टॉर्च की रोशनी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, ये जैसे लाइट है ये बिल्कुल कम हो गई यहाँ पर। बड़ी लाइट ट्राई करें इस कोने पर। यार एक बात तो है, आवाजें तो आ रही हैं जानवरों के रोने की। यार एक बात तो है, आवाजें तो आ रही हैं जानवरों के रोने की। सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। चले चले। असल में जी चाबी बड़ी मुश्किल से बाहर की मिली है, यहाँ का कोई और सोर्स है नहीं सिवाय इसके। अल्लाह, हवा में नहीं है, वाकई कोई नहीं आया है दर्शन से अभी तक। हमने की पाँव का निशान जरा का हाल आपके सामने है, कोई आया नहीं है इधर। इसी की छत पर वो मखलूक हमने देखी थी, पीछे इसके जंगल है। बाइक का निशान वो जमीन पे आ रहा है, चुने गए हैं। मुझे लगता है झड़ भी है वक्त के साथ साथ जगह सुन लो। अरे मुस्तकिल जानवरों की आवाज है, सुन लो सामने कुछ चीजें तक ये हमें क्यों मिलती है ऐसी जगह पे। हर जगह तकरीबन कौन है? कौन? तेरे पंजों के निशान है काम है। कौन? देखिएगा सुन, आग लगी है यहाँ, यहाँ आग लगी है। अजीब बात है वो ये कि इस जगह के अंदर से मुख्तलिफ जानवरों के रोने की आवाजें आती हैं, जैसे उन पर कोई जुल्म हो रहा हो, कोई उनको मार रहा हो, जैसे चीखो पुकार होती है ना। और बाहर से गुजरने वाले जब अंदर आते हैं तो उनको कुछ नजर नहीं आता। ये सुनकर उस तरफ इशारा करती हैं कि जो पुरसरार मखलूकात अपनी जानब मतवजा करने के लिए इस तरह की हरकत करती हैं, अगर आप उनके पीछे जाते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं। मतलब उनका मकसद ये होता है कि किसी तरह वो जिसमें से एक निशानी ये भी है कि देखें ये हमें अक्सर जगहों पे मिलती है,
پرسرار جگہوں پہ. ایک خیال یہ آتا ہے کہ اس کو جو ہے ساتھ لے چلیں, کتنی خوبصورت ہے, کتنی پیاری ہے, لیکن ایسے ہی دیکھا ہے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے بہت. جس کے اوپر اثر ہوا ہے, جس مخلوق نے حملہ کیا ہے, ہم نے ان سے جب یہ پوچھا ہے کہ آخری کیا یاد ہے آپ کو, کس کے بعد سے ایسا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم خرگوش کے پیچھے گئے رات کو اور پھر ہمیں کچھ یاد نہیں, ہم ایک پیاری بلی کے پیچھے گئے ہمیں کچھ یاد نہیں. ہوتا یہ کہ جب آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں, اپنا بنا لوں, اس کو لے لوں, وہاں پھر وہ مخلوق آپ پر حاوی ہو جاتی ہے. یہ دیکھا ہے, اس کو اتنا سہل ہوتا ہے, وہ اس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اب بار بار اس پہ دھیان جاتا ہے نا سر, بالکل, لیکن یہ ہم نے نہیں کرنا. اور اگر آپ لوگ کچھ ایسا ملے رات کو کہیں پر, بکری کے بچے کے پیچھے اکثر لوگ گئے ہیں, یا رات میں آدھی رات میں کیا کام ہے ایسے جنگل میں اس کا ہونے کا, تو اپنے آپ کو روک لیجیے گا تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. باہر دیکھیں, صرف ایک سوال ہے, اس کا جواب دے دیں مجھے. تو یہ ڈاگی یہاں تک آیا ہے جی, تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے وہ اس روم میں بھی آیا ہے؟ لگتا ہے آپ کو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بہت باآسانی آپ اندر آ سکتا ہے, ایسے تو ہے. اور میں کافی دیر سے آپ بات کر رہا ہوں, میری نگاہ نیچے ہے کہ شاید کوئی ایسی نشانی مل جائے پیروں کے یا جس روم میں گیا ہے. بات یہ سن لیں, ہمیں کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی ڈھانچہ بھی نہیں ملا, ہڈیاں بھی نہیں ملی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, بس غائب ہے وہ. غائب ہے. کیا ہم تینوں کے علاوہ یہاں کوئی موجود ہے؟ کیا 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 کہا؟ کون ہے؟ کون ہے؟ شعیب بھائی اندر کم گھر سے آ رہی ہے آواز, پیچھے بھائی آواز گونج رہی ہے اندر, ہماری آواز گونج نہیں رہی تھی. کیا چاہتے ہیں؟ مائی گاڈ, مائی گاڈ, کیا چاہتے ہیں؟ بھائی ادھر کہہ رہے ہیں آپ, ادھر کہہ رہے ہیں گیلری, ادھر
क्या हुआ? नीचे ये नीचे, सीधा नीचे, टैंक के अंदर, उस टैंक के अंदर, टैंक के अंदर यार, वही चेहरा, वही बड़े बड़े कान उसके, कहाँ जा रहे? दूर से देखते हैं, हमला ना कर दे अब, दूर से देखते हैं। इसमें नहीं 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 फिर वो आ गया टैंक में। चलो साथ आते, दिल बाहर आ जाता है, तुमने देखा ना? बिस्मिल्लाह, दुआएं पढ़ लो सारे। क्या हो रहा है? क्या मैं का खुदा से आज भाई मैंने देखा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। चल भाई, पानी अपनी नीचे पानी है। हाँ, और पानी हिल नहीं रहा, पानी गरम। आप रिकॉर्डिंग देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम जब यहाँ से वहां शायद खुद निकल गया हो। कोई पानी का निशान? अगर कोई अंदर था, हमारे वहां जाने में कोई निकल गया यहाँ से, कहीं कोई पानी के निशान? मुझे एक चीज तो मैं मानता हूँ, जो आवाज आ रही थी वो गूंज रही थी, लेकिन मैंने खुद देखा था इसमें भी और इसमें भी, कोई भी नहीं था। मैं इधर आया हूँ और आप कह रहे हैं कि यहाँ जो रिकॉर्ड हुआ वो के नीचे रिकॉर्ड हुआ, ऊपर रिकॉर्ड हुआ, कहाँ? मैं कितना करीब आया हूँ, सिर्फ ये इस फुटपात से यहाँ तक आया हूँ। हाँ। और मेरी पोजीशन ये थी कि कैमरा मेरा नीचे की तरफ था। हाँ। कि मैं आपकी तरफ आ जाऊँ वहाँ पे, जिस आया हूँ इतना फेस नजर आया मुझे, सिर्फ इतना चेहरा, चेहरा इतना, आंखों के साथ कान और नाक उसकी, और भगत हाफ चेहरा तो ले लें उसका, मेरे पास आया, रिकॉर्डिंग में है, मेरे पास मौजूद है। कोर्ट सुल भाई, उधर कह रहे हैं आप, उधर कह रहे हैं गैलरी, उधर क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे ये नीचे, सीधा नीचे, टैंक के अंदर, उस टैंक के अंदर, टैंक के अंदर यार, वही चेहरा, वही बड़े बड़े कान उसके, यहाँ देखा, यहाँ देखा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो इधर था, सामने बिल्कुल, था बिल्कुल कोने पे, समझे थे टैंकी का, तो ये बाउंड्री है ना, इसके कोने भी थे, सिद्ध जाले लगे हुए ऊपर। क्या मखलूक है ये, एकदम से गायब कैसे हो सकती है? हमें पहले भी सिर्फ चेहरा ही नजर आया था ना, पहले भी चेहरा ही नजर आया था।
अल्लाह। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर, यकीन करें अजीब और गरीब सी आवाजें आ रही हैं। मैंने जब खुद देखा था इंद्र कोई भी नहीं था, मैं वहां से यहाँ तक आया तो वो चीज जाहिर हो गई, मैं इधर ही था। तो आप कह रहे हैं मेरे ठीक नीचे आपने उसको रिकॉर्ड किया? कैसे यकीन दिलाऊं आपको? उसके बाद हम वहां गए हैं, हम वहां से वापस आए हैं, शायद एक मिनट भी नहीं हुआ हमें। ठीक है कोई निकल कर चला गया, तो अगर निकल के गया होगा तो पानी है ना, पानी हिल रहा है नीचे, ना इधर कोई पानी के निशान है, या कोई चीज निकलेगी तो कोई निशान, पानी, कोई स्टेप, कुछ कुछ भी नहीं। और आपने सिर्फ चेहरा रिकॉर्ड किया, कुछ चेहरा वैसे ही था जैसे हमने वहां रिकॉर्ड किया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साथ रहना है, बिल्कुल जुड़ के रहना है। अभी भी सर हम साथ ही थे, बस क्या बोलूं, मतलब मैं यहाँ था दादा। कॉट सुहेल भाई, उधर कह रहे हैं आप, उधर कह रहे हैं गैलरी उधर। क्या हुआ, क्या हुआ? नीचे ये, नीचे सीधा नीचे, टैंक के अंदर, उस टैंक के अंदर, टैंक के अंदर यार, वही चेहरा, वही बड़े बड़े कान उसके। हमें बग्गा तो नहीं मिला जिसकी तलाश में हम आए थे, उम्मीद है वो खैर खैरियत से होगा और जल्द वापस आ जाएगा, क्योंकि ना तो इस जगह उसका कोई पांव का निशान मिला और खुदा ना खास्ता ना ही कोई हड्डी या ढांचा, लेकिन उस मखलूक का मस्कन जरूर मिल गया। आप ये सब दोबारा देखिए, गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है।